नमस्कार, मैं आरती गुप्ता आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल एजुकेशन फॉर किड्स पर। आज का विषय है लंग लकार प्रथम पुरुष का कक्षा सातवीं का द्वितीय पाठ। लंग लकार प्रथम पुरुष, लंग लकार का प्रयोग भूतकाल के लिए किया जाता है, मतलब पास्ट टेंस के लिए। लंग लकार प्रथम पुरुष के लिए धातु में लगने वाले प्रत्यय इस प्रकार हैं: अ जमा धातु जमा अत, अ पठ अत अ पठत, अ जमा धातु जमा अताम, अ जमा पठ जमा अताम अ पठताम, अ जमा धातु जमा अन, अ पठ जमा अन अ पठ अन, स अ पठत उसने पढ़ा, तौ अ पठताम उन दोनों ने पढ़ा, ते अपठन उन सबने पढ़ा। प्रथम पुरुष के कर्ता के साथ लंग लकार का प्रयोग। एकवचन, द्विवचन, बहुवचन। एकवचन, बालकः अपठत, बालकौ अपठताम, बालकाः अपठन, बालकः अपठत एक बालक ने पढ़ा, बालकहो अपठताम दो बालकों ने पढ़ा, बालकाः अपठन अनेक बालकों ने पढ़ा, बालिका अलिखत एक बालिका ने लिखा, बालिके अलिखताम दो बालिकाओं ने लिखा, बालिकाः अलिखन अनेक बालिकाओं ने लिखा। सुनैना दुग्धम अपिबत, सुनैना ने दूध पिया, शारदा सुनैना चा दुग्धम अपिबताम, शारदा और सुनैना ने दूध पिया। तरुणा शारदा सुनैना चा दुग्धम अपिबन, तरुणा शारदा और सुनैना ने दूध पिया। अध्यापिका कक्षाम आगच्छत, एक अध्यापिका कक्षा में आई, अध्यापिके कक्षाम आगच्छताम दो अध्यापिका कक्षा में आई, अध्यापिकाः छात्रैः सह आगच्छन् अध्यापिका और छात्र कक्षा में आए। अर्जुनः धनुधरः आसीत्, अर्जुन एक धनुधर था। अस धातु है ये। लव कुश च भ्रात्रो आस्ताम, लव और कुश दो भाई थे। पांडवः पंचम आसन, पांडव पांच थे। छात्राः पाठम अस्मरत, छात्र ने पाठ याद किया। छात्राओ पाठम अस्मरताम, दो छात्रों ने पाठ याद किया। छात्राः पाठम अस्मरन, अनेक छात्रों ने पाठ याद किया। सैनिकः देशम अरक्षत, सैनिक देश की रक्षा की। सैनिकौ देशम अरक्षताम, दो सैनिकों ने देश की रक्षा की। सैनिकः देशम अरक्षन, अनेक सैनिकों ने देश की रक्षा की। सा अकुलः अस्ति, वह अकुल है। सः मम अनुजः अस्ति,
वह मेरा छोटा भाई है। अकुलस्य जन्म दिवस आसीत, कल अकुल का जन्म दिवस था। सायंकाले तस्य अनेकानि मित्राणि गृहं आगच्छन्, सायंकाल शाम में उसके अनेक मित्र घर आए थे। तानि सर्वाणि अकुलाय उपहारण अपि अन्यन्, वे सभी अकुल के लिए उपहार भी लाए। सा केकम अकृतंतः, उसने केक काटा। सुकृति दीपिका चा सुंदरम गीतम अगायताम, सुकृति और दीपिका ने सुंदर गीत गाया। सर्वे नृत्यम अपि अकुर्वन्, सबने भी नृत्य किया। रात्रो रात्रि भोज भवति स्म, रात में रात्रि भोज भी हुआ था। अंततः ते सर्वे स्वगृहं गच्छति स्म, अंत में वे सब अपने घर चले गए। हम इस पाठ की पुनरावृत्ति फिर से कर रहे हैं ताकि आपको ये पाठ अच्छे से याद हो जाए। लंग लकार का प्रयोग भूतकाल के लिए किया जाता है। लंग लकार प्रथम पुरुष के लिए धातु में लगने वाले प्रत्यय इस प्रकार हैं। अ जमा धातु जमा अत, अ पठ जमा अत अपठत, अ जमा धातु जमा अताम, अ जमा पठ जमा अताम अपठताम, अ जमा धातु जमा अन, अ जमा पठ जमा अन अपठन। स अपठत, उसने पढ़ा। तौ अपठताम, उन दोनों ने पढ़ा। ते अपठत, उसने उन सबने पढ़ा। प्रथम पुरुष के कर्ता के साथ लंग लकार का प्रयोग। बालकः अपठत, एक बालक ने पढ़ा। बालकौ अपठताम, दो बालकों ने पढ़ा। बालकः अपठन, अनेक बालकों ने पढ़ा। बालिका अलिखत, एक बालिका ने लिखा। बालिके लिखताम, दो बालिकाओं ने लिखा। बालिका अलिखन, अनेक बालिकाओं ने लिखा। सुनैना दुग्धम अपिबत, सुनैना ने दूध पिया। शारदा सुनैना चा दुग्धम अपिबताम, शारदा और सुनैना ने दूध पिया। तरुणा शारदा सुनैना चा दुग्धम अपिबन, तरुणा शारदा और सुनैना ने दूध पिया। अध्यापिका कक्षाम आगच्छत, एक अध्यापिका कक्षा में आई। अध्यापिके कक्षाम आगच्छताम, दो अध्यापिकाएं कक्षा में आई। अध्यापिका छात्रे सा आगच्छन्, अनेक अध्यापिका छात्रों के साथ आई। अर्जुन धनुधरः आसीत, अर्जुन एक धनुधर था। लव कुश च भ्रातो आस्ताम, लव और कुश दो भाई थे। पांडवः पंचः आसन, पांडव पांच थे। छात्रः पाठम अस्मरत, एक छात्र ने पाठ याद किया। छात्रौ पाठम अस्मरताम, दो छात्रों ने पाठ याद किया। छात्रा पाठम अस्मरन, अनेक छात्रों ने पाठ याद किया। सैनिकः देशम अरक्षत, एक सैनिक ने देश की रक्षा की। सैनिकौ देशम अरक्षताम, दो सैनिकों ने देश की रक्षा की।
सैनिकः देशम अरक्षन, अनेक सैनिकों ने देश की रक्षा की। सा अकुलः अस्ति, वह अकुल है। सा मम अनुजः अस्ति, वह मेरा छोटा भाई है। ह्यः अकुलः जन्मदिवसः आसीत्, कल अकुल का जन्मदिन था। सायंकाले तस्य अनेकानि मित्राणि गृहं आगच्छन्, शाम को उसके अनेक मित्र घर आए थे। तानि सर्वाणि अकुलाय उपहारान अपि अन्यन्, और उन्होंने अकुल को बहुत सारे उपहार दिए। सा केकम अकृतंतः, उसने केक काटा। स्वीकृति दीपिका च सुंदरम गीतम अगायताम, सुकृति और दीपिका ने सुंदर गीत गाया। सर्वे नृत्यम अपि अकुर्वन, सभी ने नृत्य भी किया। रात्रौ रात्रि भोज भवति स्म, रात में रात्रि भोज भी हुआ था। अंतः ते सर्वे स्वगृहं गच्छन्ति स्म, अंत में वे सब अपने घर चले गए। विशेष, लट लकार के धातु रूप में स्म लगाने पर लंग लकार का अर्थ देता है। अगर हम लट लकार में स्म धातु लगाते हैं तो वो लंग लकार का अर्थ बना देता है। जैसे स पठती, वह पढ़ता है, लट लकार। सह पठती स्म, वह पढ़ रहा था। तो यहाँ पे स पठती था तो ये लट लकार था वर्तमान काल का। अगर हमने इसमें स्म जोड़ दिया स पठती स्म, तो ये लंग लकार में परिवर्तित हो गया। लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन अपठत, मध्यम पुरुष बहुवचन अपठत में केवल हलंत का ही भेद होता है। स अपठत, यूयम अपठत। तो आप देखेंगे यहाँ पे हलंत है और यहाँ पे हलंत नहीं है। शब्दकोश, धनुधरः, धनुष चलाने में पारंगत, जिसको धनुष बहुत अच्छे से चलाना आता है। हिहः बीता हुआ कल। आसन, अनेक थे यथी। भ्रातौ दो भाई। आसीत था। आस्ताम दो थे। स्मृह याद करना। कृंतः काटना। आजमानी लाना। दिए गए विकल्पों से उचित उत्तर चुनकर रिक्त स्थान को पूरा कीजिए। छात्रः कक्षां, प्राविशत। राम लक्ष्मणौ वनम आगच्छताम। अतुलः निर्मलं जलम अपिबत। नराः उद्याने अब्रह्मणः। कन्या चरण कंदुकेन अक्रीडन। मंजुषा से उचित उत्तर चुनकर रिक्त स्थान भरिए। कस्य जन्मदिवसः आसीत्? अकुलाय। अकुलस्य जन्मदिवसः आसीत्। जन्मदिवे से के आगच्छन्? तो जन्मदिन पे कौन आया था? मित्राणि। मित्राणि कस्मे उपहारम आन्यन्? मित्र किसके लिए उपहार लाए थे? अकुलाए। अकुलह किम अकृतन? अकुल ने क्या काटा था? केकम। सुकृति दीपिका च किम आगायताम? सुकृति और दीपिका ने क्या गाया था? गीतम। निम्नलिखित वाक्यों को लंग लकार में बदलिए।
कृषिकाः बीजानि वपन्ति, कृषिकाः बीजानि अवपन्, अध्यापकः प्रश्नं पृच्छति, अध्यापकः प्रश्नं अपृच्छत्, उद्याने बालकः भ्रमतः, उद्याने बालको अभ्रमताम्, शिशवः दुग्धं पिबन्ति, शिशवः दुग्धं अपिबन्, चित्रकारः चित्राणि रचयन्ति, चित्रकारः चित्राणि अरचयन्। तो हमने ये सारे जो इसकी धातु थी वो सारी की सारी हमने लंग लकार मतलब आपके पास टेंस में कन्वर्ट कर दी है। स्था धातु, प्रथम पुरुष अतिष्ठत, अतिष्ठा, अतिष्ठन। क्रीड धातु अक्रीडत, अक्रीडता, अक्रीडन। अस धातु आसीत, आस्ताम, आसन। क्री अकरोता, अकुर्ताम, अकुर्वन। नम अनमत, अनमता, अनमन। स्तंभ क के कर्ता पदों के स्तंभ ख के क्रिया पदों से मिलाएं। गुरु शिष्यान उपादिशत, शिशवाहा भोजन अखादन, सैनिको शत्रुभय देश अरक्षतां, सीता रामेण सह वन अगच्छत, मीना सरोवरे अतरन। अधोलिखित वाक्यों को आप संस्कृत भाषा में अनुवाद कीजिए। बूढ़ा आदमी धीरे चला, वृद्धा नराहो शने शने अचलत। यहाँ पे शने शने में विसर्ग आएंगी। उन्होंने गीत गाया, ते ता गीतम अगायन। परिवार के लोग घूमने गए, परिवारस्य जनाः भ्रमणाय अगच्छन्। निखिल तालाब में तैरा, निखिलः सरोवरे अतरत। छात्रों ने प्रार्थना गीत गाए, छात्राः प्रार्थना गीतानि अगायन। आशा करती हूँ आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा चैनल और पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।